बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका, किसकी होगी मात। आप देखेंगे झारखंड विधानसभा से जुड़ी हर चर्चा और नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। देश में एनआरसी एवं कैब लागू होने के बाद लगातार पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आज बेगूसराय में भी युवा ब्रिगेड के बैनर तले सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने जमकर एनआरसी एवं कैब के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कार्यकर्ता ने कहा कि वर्तमान में मोदी जी के सरकार जो है वह देश बांटने का काम कर रही है एवं सिर्फ धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। हमारा संविधान जो है वह भी किसी धर्म विशेष जाति विशेष के हिसाब से नहीं चलता, धर्म निरपेक्षता के आधार पर चलता है। लेकिन जो एनआरसी लाया गया उसके बाद कैब लाया गया, यह पूरी तरह कम्युनिटी मुस्लिम के खिलाफ है। सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के खिलाफ है। वर्तमान की मोदी सरकार धीरे धीरे संवैधानिक व्यवस्था मनुस्मृति में बदलना चाहती है और यह कैब और एनआरसी लागू किया गया है। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। देखिए वर्तमान में जो मोदी की सरकार है पूरी तरह से हिटलर शाही रवैये के तहत सिर्फ धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। हमारा संविधान जो है किसी भी धर्म विशेष जाति मजहब के हिसाब से नहीं चलता है, धर्म निरपेक्षता के आधार पर चलता है। लेकिन जो एनआरसी लाया गया उसके बाद कैब लाया गया, ये पूरी तरह से एक कम्युनिटी मुस्लिम के खिलाफ है। और सिर्फ मुस्लिम के ही खिलाफ नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है। और संविधान के खिलाफ है मतलब वर्तमान की मोदी सरकार धीरे धीरे संवैधानिक व्यवस्था को मनुस्मृति में बदलना चाहती है। और ये जो एनआरसी लागू किया गया है ये तो अभी मुस्लिम तो बहाना है, दलित पिछड़ा जो है असली निशाना है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम सिर्फ बेगूसराय नहीं पूरे देश में उग्र आंदोलन करने की काम करेंगे और इस तानाशाही सरकार को खार